दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट थर्ड और फोर्थ से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। और हमारा आज का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के जीन एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंसेस है। तो इन सभी टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को स्टार्ट करने से पहले आइए कुछ फंडामेंटल टर्म को समझ लेते हैं, जैसे कि जीनोम क्या होता है, जीन क्या होता है और जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। सपोज ये आपका कोई सेल है, ठीक है, और इस सेल का ये न्यूक्लियस है। तो मान लीजिए ये आपका एक कोई पर्टिकुलर सेल है, ठीक है, और इस सेल के न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये ह्यूमन सेल है। तो ये सेल कोई भी हो सकता है, चाहे वो किडनी का हो सकता है, लीवर सेल हो सकता है, प्लाज्मा सेल हो सकता है। सपोज करिए कि ये एक तरह से लीवर सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम 1, 2, 3, 4, तो इस तरह से कुल 23 क्रोमोसोम है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी क्रोमोसोम होता है वह डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बना होता है। तो सपोज कीजिए कि ये क्रोमोसोम 1 का डीएनए है, ठीक है। इसी तरह ये जो डीएनए है ये क्रोमोसोम नंबर 2 का डीएनए है। तो इसी तरह से 1, 2, 3 और ये है क्रोमोसोम नंबर 23 का डीएनए। सो दिस ऑल 23 क्रोमोसोम डीएनए दैट विल कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। दिस कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन ए पर्टिकुलर सेल इज कॉल्ड जीनोम। कहने का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर कोशिका में जो क्रोमोसोम का सेट होता है वही कहलाता है जीनोम। तो हमारा जो जीनोम है, यानी कि अगर ह्यूमन सेल का अगर हम जीनोम देखें तो ये 23 पीस ऑफ डीएनए का बना हुआ है। तो जीनोम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप इसकी डिफिनीशन को याद कर लीजिएगा। द जीनोम इज द इंटायर सेट ऑफ डीएनए फाउंड इन ए सेल। अब सपोज कीजिए कि ये हमारे क्रोमोसोम नंबर 1 का डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। तो हम डीएनए किसी भी क्रोमोसोम का ले सकते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारे क्रोमोसोम नंबर 1 का डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो ये हमारा कंप्लीट जीनोम नहीं है, क्योंकि 23 क्रोमोसोम होते हैं और 23 क्रोमोसोम के डीएनए के पीस को हम लेंगे तब जाकर हमारा जीनोम बनेगा। तो यहाँ पर हमने केवल एक ही क्रोमोसोम के डीएनए के पीस को लिया हुआ है। तो ये हमारा है डीएनए, ठीक है ना। अब डीएनए का ये जो पार्ट है, ठीक है, डीएनए का ये जो पार्ट है ये इंसुलिन को कोड करता है, यानी कि इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है। तो डीएनए का ये पार्ट क्या करेगा, सबसे पहले एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए टेक प्लेस। अब ये एमआरएनए क्या करेगा, कोड करेगा प्रोटीन का, एक तरह से कहने का मतलब है इंसुलिन का। तो ये हमने क्रोमोसोम लिया, क्रोमोसोम के एक पार्ट का हमने डीएनए लिया, क्योंकि जो क्रोमोसोम होता है वह डीएनए का बना होता है। अब डीएनए का ये जो पार्ट है, ठीक है, ये सबसे पहले बना रहा है एमआरएनए। तो एमआरएनए जो बनता है, यानी कि डीएनए से जो एमआरएनए बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और इस एमआरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है, यानी कि जो इंसुलिन बन रहा है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो डीएनए का ये जो पार्ट है जो कि इंसुलिन का फॉर्मेशन कर रहा है, और आपको बता दें कि ये जो इंसुलिन है यह एक फंक्शनल प्रोडक्ट है। तो डीएनए का वह पार्ट जो कि फंक्शनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है उसी को हम बोलते हैं जीन। तो इस तरह से देखा जाए तो जीन क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ जीनोम, या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल प्रोडक्ट। तो इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे डीएनए का ये पार्ट जो है इंसुलिन का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए इसे हम बोलेंगे इंसुलिन जीन। अब सपोज कीजिए कि डीएनए का ये जो पार्ट है, ठीक है, डीएनए का ये जो पार्ट है ये फॉर्मेशन करेगा
बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन का। तो ये भी सबसे पहले सिंथेसाइज करेगा एमआरएनए, फिर उसके बाद एमआरएनए से सिंथेसिस होगा प्रोटीन का, यानी कि बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक डिफरेंट जीन है और ये भी डीएनए का ही एक पार्ट है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि जो जीन होता है डीएनए का एक पार्ट है, ये कंप्लीट डीएनए नहीं होता। इस बात को याद रखिएगा कि जो जीन होता है वह डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है, वह कंप्लीट डीएनए नहीं होता। और यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो जीन होता है यह हमेशा फंक्शनल प्रोडक्ट प्रोटीन ही बनाए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई और जीन है, ठीक है। अब ये जो जीन है फॉर्मेशन कर रहा है आर आर एन ए का, यानी कि इट इज़ गिव राइज टू आर आर एन ए, और यह आर आर एन ए बनेगा कैसे बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। अब ये जो आर आर एन ए है ये आर आर एन ए प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता। तो यहाँ पर जो बना हुआ आर आर एन ए है यही एक तरह से फंक्शनल फाइनल प्रोडक्ट है। तो यदि आपके दिमाग में ये है कि कोई भी जीन हमेशा फाइनल प्रोडक्ट प्रोटीन बनाता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह जैसे ये जो पार्ट है डीएनए का, ठीक है, ये कोई और जीन है। अब ये जो जीन है ये बना रहा है टीआरएनए, तो ये टीआरएनए मदद करता है आरआरएनए का, और ये आरआरएनए हेल्प करेगा एमआरएनए का प्रोटीन सिंथेसिस में। तो यहाँ पर टीआरएनए क्या है, यह एक फंक्शनल प्रोडक्ट है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक पर्टिकुलर डीएनए पीस पर मल्टीपल जीन पाए जाते हैं। आई होप आपका जीनोम और जीन से जुड़ा हुआ जो कंसेप्ट है वह क्लियर हो गया होगा कि जीनोम क्या होता है और जीन क्या होता है। अब आइए हमें नेक्स्ट समझना है कि जीन एक्सप्रेशन होता क्या है, यानी कि व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ डीएनए पर फोर डिफरेंट टाइप के जीन है, और ये जो जीन होते हैं वो डीएनए पर हर जगह नहीं पाए जाते, वह किसी फिक्स लोकेशन पर पाए जाते हैं। तो बात आती है कि जीन एक्सप्रेशन होता क्या है। तो जीन एक्सप्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, यानी कि प्रदर्शित करता है। जैसे कि ये इंसुलिन जीन है, अब ये कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो सबसे पहले ये एमआरएनए बनाता है, फिर इंसुलिन बनाता है। तो यहाँ पर जीन क्या कर रहा है, पहले एमआरएनए बना रहा है फिर इंसुलिन बना रहा है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, ट्रांसलेशन कर रहा है। तो यहाँ पर इंसुलिन जीन क्या कर रहा है, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, यही है जीन एक्सप्रेशन। अब जैसे कि ये जीन टू है, ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन का, तो सबसे पहले ये ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है फिर ट्रांसलेशन कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है यही प्रोसेस है जीन एक्सप्रेशन। अब जैसे कि थर्ड जीन है, ठीक है, तो ये थर्ड वाला जीन क्या कर रहा है, केवल ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है और बना रहा है आर आर एन ए, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। तो इस केस में जो आर आर एन ए का फॉर्मेशन है, यानी कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, इसी को हम जीन एक्सप्रेशन कंसिडर करेंगे। तो इस तरह से आपके दिमाग में चल रहा होगा कि व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन, हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जीन एक्सप्रेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जीन एक्सप्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए जीन इज यूज टू सिंथेसाइज ए फंक्शनल जीन प्रोडक्ट। तो जैसा कि आप जीन फर्स्ट के केस में देखेंगे, यहाँ पर फंक्शनल जो जीन प्रोडक्ट है वो है इंसुलिन। वहीं जीन टू के केस में आप देखेंगे तो जो फंक्शनल जीन प्रोडक्ट है वो है बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। वहीं थर्ड जीन का जो फंक्शनल प्रोडक्ट है वो आर आर एन ए, और जीन फोर का जो फंक्शनल प्रोडक्ट है वो है टी आर एन ए। तो इस तरह से देखा जाए तो जो जो फंक्शनल जीन होते हैं उनका जो फंक्शनल प्रोडक्ट होता है वो प्रायः होता है प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन के अलावा जो फंक्शनल प्रोडक्ट है वो आर आर एन ए भी हो सकता है और टी आर एन ए भी हो सकता है। आई होप आपको जीन एक्सप्रेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो आइए मैं इसके डिफिनीशन को भी लिख देता हूँ ताकि आप अपने नोट्स में लिख सकें। तो जीन एक्सप्रेशन होता क्या है, जीन एक्सप्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए जीन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ फंक्शनल जीन प्रोडक्ट। यानी कि जीन एक्सप्रेशन एक प्रोसेस है, यानी कि एक प्रक्रिया है
जिसमें कि जीन में उपस्थित जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उन इन्फॉर्मेशन का यूज ये फंक्शनल जीन प्रोडक्ट बनाने में करते हैं। तो आइए जीन एक्सप्रेशन से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट है और आपको इसको समझना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर हमने एक सेल लिया हुआ है और ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये जो हमने सेल लिया हुआ है ये है बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज, ठीक है, क्योंकि पैंक्रियाज में बीटा सेल पाया जाता है। अब ये हमने दूसरा सेल लिया हुआ है, ठीक है, और ये हमारा जो सेकंड सेल है ये है हिपैटिक सेल जो कि लीवर में पाई जाती है, और ये इस सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। अब हमने थर्ड जो सेल लिया है ये सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये जो सेल है यह एक प्लाज्मा सेल है, इसे आप बी सेल भी कह सकते हैं। तो ये जो तीनों सेल है ये तीनों न्यूक्लिएटेड है और ये एक सिंगल ह्यूमन से लिया गया है, यानी कि ये एक ही मानव की शरीर से लिए हुए कोशिकाएं हैं। अब यदि हम इन तीनों सेल के जीनोम की बात करते हैं तो क्या आपको क्या लगता है कि इन तीनों में अलग अलग जीनोम है या फिर एक ही जैसे जीनोम है? तो यहाँ पर आपको बता दें कि किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के यानी किसी भी एक जीव के शरीर में पाए जाने वाली जितनी कोशिकाएं हैं सभी में एक जैसे जीनोम पाए जाते हैं, यानी कि अगर बीटा सेल हो पैंक्रियास का या फिर लीवर का हिपैटिक सेल हो या फिर प्लाज्मा सेल हो, सभी में सेम जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि एक जैसा जीनोम होता है। तो हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं, चाहे कोई भी हम कोशिका ले लें। तो इस तरह से देखा जाए तो चाहे वो बीटा सेल हो, बीटा सेल का डीएनए तो उसमें भी क्या कहा जाता है, इंसुलिन जीन है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पैंक्रियास की जो बीटा सेल है वो इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है, तो इसमें इंसुलिन जीन है। तो हिपैटिक सेल जो है उसमें भी आपको इंसुलिन जीन देखने को मिलेगा, चाहे वो प्लाज्मा सेल है उसमें भी आपको इंसुलिन जीन देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई हमारा जो जेनेटिक मटेरियल वो तो सेम है। तो जब जेनेटिक मटेरियल सेम है तो आपको जो जीन देखने को मिलेंगे तो जीन तो सभी आपको एक ही जैसे देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, चाहे वो बीटा सेल में हो, चाहे हिपैटिक सेल में हो, चाहे प्लाज्मा सेल में हो, वहाँ पर आपको एक ही जैसे जीन सभी में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से देखा जाए जो इंसुलिन जीन है ये आपको बीटा सेल, हिपैटिक सेल और प्लाज्मा सेल इन तीनों में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जब इंसुलिन जीन सभी सेल में है यानी कि सभी सेल के डीएनए में है तो क्यों बीटा सेल ही इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्यों पैंक्रियास के बीटा सेल ही इंसुलिन का फॉर्मेशन करते हैं, क्यों हिपैटिक सेल नहीं करता या फिर क्यों प्लाज्मा सेल नहीं करता? तो यहाँ पर जो इंसुलिन जीन का एक्सप्रेशन है वो बीटा सेल में ही क्यों होता है, हिपैटिक सेल और प्लाज्मा सेल में या फिर अदर जो हमारे बॉडी के सेल हैं वहाँ पर क्यों नहीं होता? तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे, और यदि आपको इसका आंसर पता नहीं है तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।